सुप्रीम जी, आप गंगा के लिए किस सिपाही को तैयार किया है? महाराज, लंका को जाने के लिए हनुमान जी की ड्यूटी लगाई गई है। प्रभु आपका धन्यवाद है जो आपने ऐसा कार्य मेरे जिम्मे लगाया है। मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा और सीता जी का पता लगाकर ही वापिस आऊंगा। प्यारे हनुमान, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अब यहाँ से कूच किया जाए और जितना जल्दी हो सके सीता जी की रिहाई के लिए कोई न कोई जतन किया जाए। भगवान, माता सीता ने आज तक मुझे नहीं देखा। जब वह मुझे देखेगी तो मुझ पर विश्वास नहीं करेगी। अगर आप अपनी कोई निशानी दे दे तो मैं माता सीता को दिखा दूंगा ताकि वह मुझ पर विश्वास कर सके। ऐ पवन सुत हनुमान, यह अंगूठी निशानी के तौर पर लीजिए और जानकी जी को यहाँ का सारा हाल बता दीजिएगा। जो आज्ञा भगवान। भाई, जिस काम के लिए आया हूँ वह तो मैं करके ही जाऊंगा। किस बोले की जाऊंगा? मालूम होता है आज तेरी मौत तुझे खींच रही है। आखिर मुझे भी तो बता, तू यहाँ क्यों आया है? मुझे केवल सीता जी से मिलना है। बहुत खूब, यह क्या साधारण काम है? मेरे लिए मौत का पैगाम है। 10:50 बोला तुम्हारी मौत कैसे? अरे मूर्ख, जो तूने सीता से बातचीत कर ली सोच ले हमारी तो समझ ही आ गई। तैयार हो जाओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। जय शंकर जी।
रात्रि बहुत हो चुकी, प्रातः काल होने को है, लेकिन अभी तक सीता माता का पता नहीं चला। पता नहीं सीता जी जीवित भी है या नहीं। उस तरफ वृक्षों का काफी झुंड है, वहीं चलकर देखना चाहिए। हे परमात्मा, अभी मेरे पापों का बहुत प्रायश्चित हो चुका, इस प्रकार मेरे साथ अनर्थ हो रहा है, उसको सहन करने में मेरा शरीर असमर्थ हो रहा है। हे नाथ, दया करो, मुझ पर दया करो। यह आवाज किधर से आ रही है? एक एक शब्द की तरह यह सब बता रही है कि कोई दुखिया अपनी विपत्ति को याद करके रो रही है। निसंदेह यह सीता की आवाज है। अब मुझे उस ओर जाकर देख भालना चाहिए और अपना संदेह मिटाना चाहिए। अरे इता, अब तो महाराज के आने का समय हो गया है। सभी अपनी अपनी जगह मुस्तैद हो जाओ। अगर रावण ने हमें सोते हुए देख लिया तो समझ ले सभी की मौत आ गई। अरे सीता, मुझे आशा है कि तुमने ऊंच नीच को सोचकर कोई नेक नतीजा निकाला होगा। ओ अधर्मी, मैं जाने तेरा यहां से कब मुकाला होगा। प्यारी, परमेश्वर के वास्ते मेरी दशा पर रहम करो। ओ जालिम, परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कम कर। आखिर तू कब तक अपनी हट निभाएगी? जब तक यह आत्मा सही से न निकल जाएगी। सीता अब भी मान ले, हट ये तेरी पिजूल, पिजूल
तू मेरी कैद से छूट जाए ना भूल, अब तू मेरी कैद से छूट जाए ना भूल। अरे सीता तू अभी कहा मान ले री आई सीता, तू अभी कहा मान ले अपनी हट से कभी पाज आऊ नहीं, अपनी हट से कभी पाज आऊ नहीं। मैंने देखी है तुझसी री बहुत सी चतुर, तेरे रोने की खातिर बनाऊ नहीं, तेरे रोने को खातिर बनाऊ नहीं, तेरे रोने को खातिर बनाऊ नहीं। इन फकीरों के पीछे क्यों मरती फिरे री, इन फकीरों के पीछे क्यों मरती फिरे, बन के पटरानी तू ऐश क्यों ना करी, बन के पटरानी तू ऐसे क्यों ना करे। रामचंद्र जो सोबारे रीचन में मरे, तो भी सूरत में तेरी दिखाऊं नहीं, तो भी सूरत में तेरी दिखाऊं नहीं, तो भी सूरत में तेरी दिखाऊं नहीं। रावण यूं बक बक करे गंदी करे जुबान, रावण गंदी करे जुबान, गामी कपटी गाय उस दिल पे मान, गामी कपटी गाय उस दिल पे मान। रावण हट जा तूने सामने से जाए, रावण हट जा मेरे सामने से जरा, मुझको सूरत तू अपनी दिखावे पति, मुझको सूरत तू अपनी दिखावे पति, मुझको सूरत तू अपनी दिखावे पति। मेरी सुन ली है बातें नरम और गरम, मेरे दिल को तू ज्यादा दुखावे पति, मेरे दिल को तू ज्यादा दुखावे पति, मेरे दिल को तू ज्यादा दुखावे पति। अब तो आंखों में सूरत बसी राम की जी, अब तो आंखों में सूरत बसी राम की, मैं रवादार तक न तेरे नाम की, मैं रवादार तक न तेरे नाम की, मुझको परवाह नहीं दुखो आराम की, यहाँ लालच के बंदे फैलावे पति, यहाँ लालच के बंदे फैलावे पति, रामचंद्र जो होता कुछ लायक अकरमी, रामचंद्र जो होता कुछ लायक अब राज करता वो अपने ही घर बैठ कर, राज करता वो अपने ही घर बैठ कर, जो जिले वतन हो डोलता दर बदे, उस गदाधर का मैं को
कर देंगे लंका तेरी फूट कर, खाक कर देंगे लंका तेरी फूट कर, तेरी गलियों में रुलता पिएगा ये सर, हर तरफ आसमान को उठावे मती हर तरफ तेरी खातिर रवाई थी सर में भस्म री, तेरी खातिर रवाई थी सर में भस्म, छोड़ कर लो लाजुल कुल की रस्म, छोड़ कर लो लाजुल कुल की रस्म, मुझे तेरी कसम तेरे सर की कसम, मुझे रानी जो अपनी बनाऊ नहीं, तुझे रानी जो अपनी बनाऊ नहीं, तुझे रानी जो अपनी बनाऊ नहीं, जल निकल दूर हो मेरे आगे से हरे जल्दी कर, पूरे हो मेरे आगे से हट वरना दूंगी अभी तेरी काया पलट, वरना दूंगी अभी तेरी काया पलट, ओ अधर्मी ओ पापी ओ बेईमान सट, बात मेरे जिस्म को लगा मेरे जिस्म को लगा मेरे जिस्म को लगा, वरना टुकड़े बना दूंगा मैं तलवार से भी, वरना टुकड़े बना दूंगा मैं तलवार से, सर उड़ेगा तेरा एक ही वार से, सर कटेगा तेरा एक ही वार से, बाजे आ जा तू अभी रीस इस रात से, राम के पास मैं भी पहुंचाऊं नहीं, राम के पास मैं भी पहुंचाऊं नहीं, मुझे ताने महले सुनाता है क्या रे, मुझे ताने महले सुनाता है क्या, मौत का भय मुझे तू दिखाता है क्या, मौत का भय मुझे क्यों दिखाता है क्या, लेके तलवार चढ़ चढ़ लेके आता है क्या, मौत अपनी को नाक बुलावे मती, मौत अपनी को नाक बुलावे मती, मौत अपनी को नाक बुलावे मती, मेरी शक्ति तुझे सारी मालूम है, मेरी शक्ति तुझे मालूम है, कुल जमाने में जिसकी मची धूम है, कुल जमाने में जिसकी मची धूम है, रामचंद्र अभी रिकल का मासूम है, ऐसे बच्चों को तो मैं पढ़ाऊं नहीं, ऐसे बच्चों को तो मैं पढ़ाऊं नहीं, ऐसे बच्चों को तो मैं पढ़ाऊं नहीं, जो तुझे अपने बल का बना है परम रे, जो तुझे अपने बल का बना है परम,
तो सगंबर से भागा था क्यों नौ कदम, तो सगंबर से भागा था क्यों नौ कदम। डूब मर चुल्लू पानी में अरे हो बेशरम, जरा से की के चिल्ले चढ़ावे मती, जरा से की के चिल्ले चढ़ावे मती, जरा से की के चिल्ले चढ़ावे मती। मैंने जितनी भी तेरी खुशामत करी, मैंने जितनी भी तेरी खुशामत करी, और तू उल्टा सर पर ही चढ़ती गई, और तू उल्टा यो सर पर ही चढ़ती गई। बस समझ ले कजा री तेरे सर पर चढ़ी, आज चिंता तुझे मारे पिलाया से जाऊं नहीं, तुझे मारे पिलाया से जाऊं नहीं। जो सताता है अगर मुझे हर घड़ी रे, जो सताता है अगर मुझे हर घड़ी, मैंने सुन ली है बकवास जो तूने करी, मैंने सुन ली जो बकवास तूने करी। तेरी जल जाए जालिम जबाविश भरी, बेहयाई के बिकरे सुनावे मती, बेहयाई के बिकरे सुनावे मती, बेहयाई के बिकरे सुनावे मती। जा नहीं सकती जिंदा तू यहाँ से कहीं, जा नहीं सकती जिंदा तू यहाँ से कहीं, अब बनेगी चिता तेरी आखिर यही, अब बनेगी चिता तेरी आखिर यही। नाम यशवंत सिंह मेरा रावण नहीं, जो मैं सीता के टुकड़े बनाऊं नहीं, जो मैं सीता के टुकड़े बनाऊं नहीं, जो मैं सीता के टुकड़े बनाऊं नहीं। अपने मन में तू यह निश्चय ही जान ले, जान ले राम पहुंचे लड़ाई का सामान ले, राम पहुंचे लड़ाई का सामान ले। अभी यशवंत सिंह का कहा मान ले, सिर सोए हुए सो जगावे मती, सोए हुए को जगावे मती। अरे निर्लज यदि कोई लज्जा वाला होता तो इतनी लानत सुनकर नाक डुबोकर मर जाता और जीवित किसी को मुंह न दिखाता। न मालूम तुझको परमेश्वर ने किस मिट्टी का बनाया है कि शर्म और हया को तूने कोसों दूर भगाया है। काल की अभिलाषी जरा अपनी जुबान संभाल ले, ओ सत्यानाशी तू यह अपना अंतिम अरमान भी निकाल ले।
शांति से नाम लीजिए। कुछ दिनों में इसकी हद दूर हो जाएगी। बेचारा तो यही था जब तक इसके मस्तक की हवा ना निकालता, इस तलवार को इस मैदान में न डालता। किंतु तुम्हारे कहने से अपने इरादे को बदल देता हूं और दो मास का समय देता हूं। 15 या तो 103 में मेरा कहना मान लेगी, नहीं तो दो मास के पश्चात यही तलवार इसके प्राण लेगी। जो कुछ तुझको 2 महीने के बाद करना है वह आज ही कर ले, क्योंकि 2 महीने पश्चात भी मेरा यही जवाब होगा। संभव है कि काल तुझको आ दबोचे और तेरी यह इच्छा मन की मन में रह जाए। मेरे समझाने से तो बात बढ़ती है, खुश होगा। जो मैं समझाता हूँ उससे अधिक हट जाती है। तो मेरी अनुपस्थिति में इसे समझाना और कुछ लालच और भय से इनको मनाना, गेम तो खबरदार अधिक उत्तर जा सकता हूं। महाराज आप चिंता न करें, इसको मैं अच्छी तरह से समझा दूंगी। यदि तुम मेरा काम बनाओगी तो मोमन इनाम पाओगी। महात्मा, क्या मैं इस संसार में इसलिए आई थी और यह विश्वास मेरे लिए ही बनाई थी? जब से होश आई एक दिन भी हंसी से न गुजारने पाई। प्राणनाथ, यद्यपि एक अरसे से इस दुष्ट के बंधन में कैद थी, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद थी। जब मेरा रक्षक परमात्मा है तो एक न एक दिन सब कष्टों का खात्मा है। प्यारे लक्ष्मण, मेरा अपराध क्षमा करना, मैं अपनी दुर्दशा पर खुद परेशान हूँ और संसार में थोड़े दिनों के मेहमान हूँ। मुझे हैरानी है तूने अपने मन में क्या सोनी है। महाराज जिराज रावण तुझसे मोहब्बत का इजहार करे और तू उल्टा इनकार करे। हरी मूर्ख तो संसार में और भी है परंतु तुझसे बढ़कर कोई नहीं है। अरे ओ कमबख्त, अरे तेरा भाग्य तो फूट गया,
अरे तो जरा कुछ जवाब तो दे, तेरा ये मुंह तो नहीं टूट गया। जरा अपनी जबान को संभाल, ऐसी बेहूदी बातें मुंह से न निकाल। मुझे जिस तरह तुम चाहे सता दो या कच्ची को पालो, परंतु मेरे स्वामी के विरुद्ध कोई शब्द मुंह से न निकालो। जा तेरा जी चाहे वहीं पर चल, हम तेरे साथ ही जाएंगी। अरे बस कर बस कर, तुम यही बैठी रहो और इसको कुछ ना कहो। अरे इसको अलग बात कर, रोने दो और जरा हल्की हो लेने दो। ये परमात्मा मैं बहुत सदमे उठा चुकी हूँ, और हर घड़ी की पत्तियों से तंग आ चुकी हूँ। परमेश्वर इस बात का गवाह है कि आपकी दासी के गुनाह है। इस समय सभी राक्षसियां सो रही हैं और बिल्कुल बेसुध हो रही हैं। ऐसा अवसर फिर हाथ में आएगा और इस समय कोई देखने वाला भी नहीं। हे परमात्मा, मैं आए दिन के कष्टों से तंग आकर खुशी से मरना मंजूर करती हूँ, किंतु अंतिम बार आपसे इतनी प्रार्थना जरूर करती हूँ कि मैंने सारी उम्र में कुछ धर्म किया हो या कोई शुभ कार्य किया हो जिससे मेरी कुछ सदगति हो और अगले जन्म में भी श्री रामचंद्र जी मेरे पति हो। श्री राम देवी परमेश्वर का नाम ले। यह आवाज किधर से आ रही है? और इस पाप भूमि पर कौन ऐसी पवित्र आत्मा है जो मेरी दशा पर दया खा रही है? भाई तू कौन है, जरा सामने आ और मुझे अपनी शक्ल तो दिखा। माता जी आप क्या कर रही हैं? इतनी समझदार होकर और पूरी मौत मर रही है। भैया तुम्हारा क्या नाम है? वही तो तुमसे ना जान है ना पहचान है। माता जी मैं रामचंद्र का एक छोटा सा सेवक हूँ,
और हनुमान मेरा नाम है। अगर मैंने तो कभी उनके पास आते जाते नहीं देखा। निशंध है, आपको कहना सही है। आपकी खोज करते समय हमारे राजा वानर सुग्रीव को उन्होंने अपना मित्र बनाया है। दूर दूर हो कपट आत्मा, मैंने तुझको जान लिया, सही प्रकार पहचान लिया। माता जी आपको सच्ची बुद्धिमानी है, परंतु आपके विश्वास के लिए मेरे पास रामचंद्र की एक खास निशानी है। लीजिए, इसको पहचान लीजिए। मेरे प्राण प्यारे की अंगूठी, मेरे भाग्य के साथ साथ तू भी मुझसे ऐसी रूठी। तुझको मेरी अवस्था पर कुछ दया न आई। माता जी आप इन बातों को जाने दीजिए। ओहो बेटा, क्षमा करना, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं तो अपने ही विचारों में तुमसे बात करना भूल गई। मुझे आप लज्जित न कीजिए, मैं आपका खिदमतदार हूं। हाँ, कभी समय था मैं जिससे साधारण सा काम लेती थी उनको उससे 2 रुपए इनाम देती थी, किंतु शोक किंतु इस समय मैं चिंतन और लाचार हूँ, और तुम्हारा सत्कार करने पर बिल्कुल लाचार हूँ। देवी अभी पत्ती के दिन व्याधित हो गए और तुम्हारा लौटने का इंतजार है, और वानर दीप का एक एक बच्चा मरने और मारने को तैयार है। मुझे विदा कीजिए और अपनी कोई विशेष निशानी मुझे प्रदान कीजिए। मैं हैरान हूँ कि तुम्हें क्या निशानी दूँ। अलग्राता एक वस्तु मेरे पास है, यह चुड़ावनी अपने साथ ले आई थी। यह श्री राम जी को दिखा देना और सारा हाल बता देना। माता जी बहुत अच्छा, अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुझको भूख ने सताया है।
से कुछ नहीं खाया है। अगर आज्ञा हो तो इस बाग से कुछ फल तोड़कर खा लूं। बेटा मेरी ओर से तुम्हें ये सब प्रकार अधिकार है, किंतु इस बात का ख्याल रखना यहाँ का एक एक राक्षस बड़ा ही खूंखार है। आप इसकी परवाह न करें, आप केवल मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। अच्छी तरह युद्ध किया, लेकिन उसने
अभी जाओ और उस दुष्ट को गिरफ्तार करके और निहाला। जो आपके पिताश्री खबरदार आप जाने ना पाएगा। मुझे भी तेरा इंतजार था। आप जरा दो दो हाथ दिखाने का मजा आएगा। वीडियो